जुगाड़ के बारे में तो सुना ही होगा आपने। आज की कहानी में मेन हीरो ऑटोमेशन की जुगाड़ करने वाला हम सब में से ही कोई एक है, क्योंकि हर इंसान ही जुगाड़ करता है। वैसे भी जुगाड़ शब्द को ऑक्सफोर्ड ने 2017 में ऑफिशियली अपनी डिक्शनरी में जगह दी थी। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी स्मार्ट सिटी यूज केस की। उम्मीद है वो एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आज के एपिसोड में भी मैं कुछ जुगाड़ करने वाला हूँ। काफी दिन से सोच रहा था कि नई स्टोरी की जुगाड़ करूं और आपके सामने ऑटोमेशन को नए रूप में रखने के प्रयास करूं। तो हो गई मेरी जुगाड़। शुरू करता हूं ह्यूमन ने कैसे ऑटोमेशन की जुगाड़ की शुरुआत की। 1898 के आसपास जब मिस्टर निक टेस्ला ने सोचा कि क्यों ना किसी बोट को कंट्रोल किया जाए रिमोट के माध्यम से, तो उन्होंने पहली बार एक जुगाड़ की, जिस जुगाड़ की मदद से उन्होंने रिमोट कंट्रोल से बोट को कंट्रोल करने का सफल परीक्षण किया। वहीं 1901 में जब लोगों की इमेजिनेशन में जुगाड़ एक मूर्त रूप लेने लगी थी, लोगों के दिमाग में वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, क्लोथ ड्रायर, आयरनिंग के लिए क्लोथ आयरन, होम रेफ्रिजरेटर, यहां तक कि डिशवॉशर और गार्बेज डिस्पोजल की भी संरचना हो गई थी। पर वो सब जुगाड़ रूपी काम किया जाता था। लेकिन 1950s में जब रॉबर्ट नॉइस ने कंप्यूटर चिप बना डाली, तो ऑटोमेशन की जुगाड़ को भी एक दिमाग मिल गया, जो कि एफिशिएंट होने लगा। मतलब कि जितने भी जुगाड़ वाले काम थे वो एफिशिएंटली होने लगे। वहीं 1980s के आसपास जब वायरलेस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ और 802.11 स्टैंडर्ड्स का प्रयोग कर लोगों ने गैरेज डोर्स, होम सिक्योरिटी सिस्टम, मोशन सेंसिंग लाइट्स, फाइबर ऑप्टिक्स, यहां तक कि थर्मोस्टेट कंट्रोल पे भी काम शुरू किया। तो ऐसी शुरू हुई थी हमारी जुगाड़ की शुरुआत। लेकिन 1990s की बात करें तो होम ऑटोमेशन को एक नया मील का पत्थर साबित करने के लिए वाईफाई ने जन्म लिया, क्योंकि मिस्टर विक हेस ने वाईफाई को नया रूप दिया और ऑफिशियली 1997 में वाईफाई प्रयोग में आने लगा। पर क्या करें, हम तो जुगाड़ू लोग हैं ना। ये सब होने के बाद भी हम घर में अपने ऑटोमेशन करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, आपके मन में भी कभी कभी आया होगा क्यों ना इसकी कुछ जुगाड़ कर दी जाए। याद कराता हूं मैं वो दिन जब हमें किसी मटके के थ्रू एक कूलर बनाना होता था। बनाने की विधि बड़ी आसान थी। मटका लो, मटके को सामने से काटो, वायरिंग के लिए ड्रिल करो, 12 वोल्ट की डीसी मोटर ढूंढो और उसे चलाने के लिए एक एडेप्टर का इस्तेमाल करो जो कि 12 वोल्ट का डीसी एडेप्टर हो, और उस जुगाड़ से ही हम मोटर को पावर देते थे और सिल्वर वायर के माध्यम से एक प्लास्टिक वाला पंखा लगाकर ठंडे पानी को मटके में डालते थे और ठंडी हवा का आनंद लेते थे। ऐसी कुछ जुगाड़ थी जहां हम लोगों ने अपने कूलर को बनाया था, जिसे हम लोग मिट्टी कूलर के नाम से आज की तारीख में जानते हैं। ऐसे ही कुछ कूल कूल परीक्षण, कूल कूल जुगाड़ हम लोगों ने की और कुछ बड़ी कंपनीज जैसे मिट्टी कूल का जन्म हुआ, जिसने कि फ्रिज मार्केट में पेश किया, कूलर्स पेश किए, कुछ अच्छे बर्तन दिए और अपनी जुगाड़ को एक नया रूप दिया। वैसे बचपन में अगर आप अपने दिन याद करेंगे, जब हम गांव में होते थे और गांव में हम किसी रूम में सोते होते थे, तो वहां पे अगर हम मच्छर काटते थे तो हम अगर कोई चारपाई पे एक मच्छरदानी लगाते थे और हमें कोई रूम का बल्ब ऑन करना होता था, तो हम उठ के जाने के लिए बजाय लोगों को बुलाते थे, अरे भाई ये ऑन कर दे, बटन कर दे चालू। लेकिन हुआ क्या था, उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने खुद ही एक ट्यूब स्विच अपने घर में लगा लिया, जिसके माध्यम से हम लोग चारपाई पे बैठे बैठे और ऑन ऑफ कर सकते थे अपनी मच्छरदानी के अंदर ही। ऐसी भी एक जुगाड़ ने होम ऑटोमेशन की शुरुआत की थी। कुछ इस तरह के ही मीठे खट्टे पल आपको याद आते होंगे जहां आपने खुद ने जुगाड़ की होगी। अगर आपको कोई ऐसा पल याद आता है जहां आपने ऑटोमेशन करने के लिए कोई जुगाड़ की है, तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं कि आपका ऑटोमेशन की जुगाड़ किस तरीके से थी। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर और बात करेंगे होम ऑटोमेशन की जुगाड़
आईओटी में कैसे की गई, किस तरह के सेंसर्स यूज किए जाए, किस तरह का एप्लीकेशन है और किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और हम क्या बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। ऑटोमेशन की जुगाड़ तो हो गई, अब हम बात करते हैं होम ऑटोमेशन की। हम विभिन्न प्रकार के सेंसर्स का यूज कर अपने घर को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें होम सिक्योरिटी एनेबल करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या सेंसर यूज करना है जिसकी मदद से हम होम ऑटोमेशन का पहला यूज केस होम सिक्योरिटी अपने घर में एनेबल कर सकते हैं। हमारे पास कॉन्टेक्ट सेंसर होना चाहिए जो कि दो भागों में आता है, मतलब दो पीस में। क्लोज पोजीशन में उसे हम रखते हैं तो दोनों पीसेस एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, और अगर ओपनिंग पोजीशन में रखते हैं तो एक दूसरे से दूर। इन्हें हम घर के मेन डोर में लगा सकते हैं, जहां एक पीस को हमने डोर जैम में लगा दिया, दूसरे पीस को हमने डोर पर लगा मारा। मतलब कि अगर हमारा डोर ओपन हुआ या क्लोज हुआ उसके आधार पर हमें अलर्ट मिलेगा, और ये इन्फॉर्मेशन को हम एडिशनल ट्रिगर कर लाइट्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस तरीके से हम हमारे घर में पहला होम सिक्योरिटी के लिए कॉन्टेक्ट सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी इमोशन से हटकर मोशंस की। जहां भी मोशन होते हैं वहां एक सेंसर इस्तेमाल में कर सकते हैं हम लोग, जिसको मोशन सेंसर कहा जाता है। मोशन सेंसर का काम यूजुअली लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करा जाता है। जैसे ह्यूमन वॉक करके किसी पर्टिकुलर जोन में जाता है, लाइट्स ऑन हो सकती हैं। ऐसे ही हम इस मोशन सेंसर को सिक्योरिटी कैमरे में अगर लगा देना तो हमें पता लग जाएगा कि रात में 10 बजे के बाद में कोई ऐसा इंसान जो कि चोर हो सकता है या कोई इंट्रूडर हो सकता है, तो वो हमारा कैमरा एक्टिव होकर उसका फोटो खींच लेगा। मतलब कि वीडियो सर्वेलेंस के साथ साथ हमारे पास कैमरे के थ्रू निरंतर पिक भी आते रहेंगे। ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग हमारे घर में सर्वेलेंस लगा सकते हैं यूजिंग मोशन सेंसर्स। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन आपकी डोर पर नॉक कर रहा है, तो आप चाहें तो वाइब्रेशन सेंसर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन सेंसर आपको एक अलर्ट देगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपके घर पे किसने नॉक किया है। इवन अगर आप चाहें तो विंडोज पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉलोनी के थोड़े से नटखट बच्चे विंडोज पे कहीं ना कहीं चोट मार ही देते हैं। हमें पता लग जाएगा कि विंडोज में किस तरह का डैमेज हुआ है, ये भी हम चाहें तो हमें सीधे सीधे अलर्ट मिल सकता है। बात करते हैं कुछ तरह तरह के नए साउंड्स की। कुछ आवाजें अच्छी होती हैं, कुछ नॉइज होती हैं, तो क्यों ना हम साउंड सेंसर्स यूज करें जो कि हमें बता दे कि अगर हमारे पास कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा साउंड हमारे आसपास आ रहा है तो हमें अलर्ट दे। किस तरह का साउंड? जैसे मान लीजिए रात में कोई चोर हमारे दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हमें एक नया साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे साउंड सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे यार अमित आप तो सिक्योरिटी के पीछे लग गए। क्या करें मित्रों, आज की तारीख में हमें होम सिक्योरिटी सबसे पहले चाहिए, उसके बाद में हम बात करेंगे ऑटोमेशन की, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी है तभी तो हम इस्तेमाल कर सकेंगे सारे ऑटोमेटिक सेंसर्स और हमारा जीवन सरल और आसान हो जाएगा। अगर आपके घर में टेनेंट हैं और वो टेनेंट पार्टीज करते हैं, मतलब कि उनकी पार्टीज कुछ ऑड समय तक चलती है, भले ही पुलिस आ जाए, आंटी पुलिस बुला लेगी, लेकिन पार्टी अभी चलेगी। कहने का मतलब है कि यहाँ भी आप शोर को कंट्रोल करने के लिए चाहे तो साउंड सेंसर लगा सकते हैं, और आप अपने टेनेंट को मीठी आवाज में समझा सकते हैं कि भाई थोड़ा सा शोर आप कम कर ले। तो कुछ इस तरह का काम हो सकता है साउंड सेंसर का। गर्मी के दिन है, पानी की कमी सबको पता है, और पानी का लीकेज हर जगह होता रहता है, क्यों ना हम लोग हमारे घर में एक ऐसा सेंसर लगाएं जिसे हम लीक सेंसर का नाम दे या वाटर सेंसर का नाम दे, जो एक्सेस वाटर बिल्डअप के दौरान हमें अलर्ट दे दे और हमारा वाटर सेंसर वाटर को शट ऑफ कर दे अगर हमें एक्सेसिव कहीं पे लीकेज हो रहा है, या सेंसर से हमें पता लग जाए कि ओवरफ्लो हो रहा है वाटर, तो हम पंप को वहां पे एक सिग्नल दे सकते हैं और पंप ऑन करके अपना काम कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इस वाटर सेंसर के इस्तेमाल से ही हम
कंजम्पशन को मॉनिटर कर सकते हैं, और तो और हम चाहें तो इरिगेशन के लिए भी हमारे पानी को पर्याप्त मात्रा में अपने खेतों में दे सकते हैं। ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग पानी की बचत कर सकते हैं। बात करते हैं अब तापमान की, क्योंकि टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है और गर्मी का धमाकेदार गर्मी इंदौर में शुरू हो चुकी है। टेम्परेचर, हाँ, काफी लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर। हमारे घर में एसी होता है तो हम एसी के थ्रू टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, लेकिन कई जगह पे हमें टेम्परेचर को मेंटेन भी करना होता है फॉर द पर्पस ऑफ आवर यूसेज। वो भी हम चाहें तो टेम्परेचर सेंसर की मदद से कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास ह्यूमिडिटी सेंसर होता है जो कि हैंडी हो सकते हैं काफ़ी, जिसकी मदद से हम ह्यूमिडिफायर्स और डीह्यूमिडिफायर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे घरों में अगर बेसमेंट है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी होती है, पर इसके परिणाम स्वरूप मॉइस्चर है जो कि एयर को सेचुरेट कर सकता है, क्यों ना हम डीह्यूमिडिफायर यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो देखिए, तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों एक साथ काम कर सकती है यहाँ पे, और हम इस्तेमाल कर सकते हैं घर में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर। बात करते हैं थोड़ी बिजली की खर्चे की। बिजली का बिल दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, और हम लोग हमारे ऑटोमेशन की मदद से ये पता कर सकते हैं कि हमारे किसी पर्टिकुलर डिवाइस में कितनी बिजली की खपत हो रही है। क्यों ना हम ऐसा सेंसर लगाएं जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूसेज को मॉनिटर करें, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूसेज सेंसर कह सकते हैं। फायदा ये होगा कि हमारी बिजली की बचत भी होगी और जेब भी खाली नहीं होने वाली है। बात करते हैं अब लोकेशन की, लोकेशन सेंसर्स की। आप भी जानते हैं कि हमारे 10 में से 9 लोगों के पास में फोन होता है, और फोन को ही हम लोग लोकेशन सेंसर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो हम हमारे डिलीवरी बॉय को खुद एड्रेस बताते हैं। एक जमाना था जब हम ऑटो वाले से एड्रेस पूछते थे कि भाई ये एड्रेस कहाँ आएगा। ऑल्दो हमारे पास GPS है, लेकिन हमारे डिलीवरी बॉय को भी हमें बताना होता है कि हमारी लोकेशन क्या है। ऑल्दो उसके पास में ऑटोमेटेड लोकेशन आ जाती है। कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का फायदा तो है, लेकिन कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं। वैसे भी लोकेशन सेंसर इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, कारण क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वाईफाई पे, बैटरी की लाइफ पे और एटमोस्फेरिक कंडीशन पे भी। अगर हम चाहें तो इस लोकेशन सेंसर का इस्तेमाल करके हमारे घर के डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, इवन हम चाहे तो लाइट्स को भी ऑन कर सकते हैं। तो इन सेंसर्स की हम लोगों ने बात की जो कि होम ऑटोमेशन के लिए उपयोग में आते हैं। कुछ सेंसर्स हमने और डिस्कस किए थे, जिन्हें मुझे सेंसर के बारे में और जानना चाहते हैं वो मेरे पुराने एपिसोड सुन सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की और एकेडमिक रिसर्चर्स की। इन सेंसर्स का उपयोग करके आप कोई भी छोटा सा होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और उसे इंटरनेट एनेबल करके IoT इम्प्लीमेंटेशन आसानी से कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी तरह के प्रोवाइडर्स हैं जो कि ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कुछ इस तरह की कंपनीज हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि API का इस्तेमाल करके Alexa, Google Home की API का उपयोग करके ही होम ऑटोमेशन की जुगाड़ कर रहे हैं। चलिए, बात हो गई है जुगाड़ की, बात हो गई होम ऑटोमेशन की सहूलियत की। अब विदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि मैं भी लग जाता हूँ अपनी नई स्टोरी की जुगाड़ में। तब तक सुनते रहें आप मेरा पॉडकास्ट Spotify, गाना, Amazon और जियो सावन में। आपने प्रीशियस मैसेज वॉइस मैसेज के फॉर्म में आप चाहें तो anchor.fm/IoTAmit पर भी दे सकते हैं। Instagram पे तो मैं हूँ ही, वहाँ क्यों नहीं कनेक्ट करते आप मुझसे @podcasteramit पे। जुड़े रहें मेरे साथ डीप स्टोरी टेलर अमित के टेक स्टोरीज के नए एपिसोड्स के इंतज़ार में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।